खबर शिवगढ़ रायबरेली से है, जहां शासन प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार कोविड 19 गाइडलाइन को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मौलवी सहित 5 लोगों ने मस्जिद में ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं मुस्लिम समुदाय के अन्य लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा कर देश में अमन चैन एवं एक दूसरे की सलामती की दुआ मांगी। थाना क्षेत्र के बैती मस्जिद, शिवगढ़ मस्जिद, असहन जगतपुर मस्जिद, गुढ़ा मस्जिद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मौलवी को मिलाकर सिर्फ 5 लोगों ने ईद की नमाज अदा की। कोविड 19 गाइडलाइन का अनुपालन कराने को लेकर शिवगढ़ पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही। कोविड 19 के चलते इस बार ईद उल फितर का त्योहार फीका दिखा। लोगों ने अपने ही घरों में ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को फोन के माध्यम से ईद की मुबारकबाद दी। शिवगढ़ रायबरेली से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट।